अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, आज था 25 दिसंबर 2023 और हम बस बाहर निकले थे ऐसे ही देखने के लिए हाईवे पे के हाईवे का रोड्स कैसे हैं यहाँ पे। बस थोड़ी सी ऐसी लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी तो हम निकले थे। और यहाँ पे आप बिलीव कर सकते हो, ये दिसंबर है, वो भी एंड ऑफ दिसंबर, और यहाँ की रोड का नज़ारा देखिए आप, ऐसा लगता है कि ये समर है। तो बस अब इसे क्या कह सकते हैं। मैंने यहाँ पे शाम के खाने का सारा प्रिपरेशन कर चुकी थी, मैं मीट जो है वो भी मैरिनेट कर चुकी थी। तो यहाँ पे सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मैंने आते ही यहाँ पे देखिए सैलेड बना दिया था। और ये जो है इसके साथ मैं बनाऊँगी स्टेक्स। और बच्चों, स्टेक्स बनाने तो थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा भूखे थे और हस्बैंड भी, तो मैंने फिर जल्दी से ये पकौड़े बना लिए साथ में समोसे, तो उनको चाय के साथ, हस्बैंड को चाय के साथ दे दूँगी और बच्चे ऐसे ही खा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा बन रहा था स्टेक और देखिए ये बहुत अच्छा मैरिनेट हुआ था। और इसके साथ मैंने बनाया था टमाटे की चटनी, तो आपको तो पता है नॉर्मल टमाटे, धनिया, लहसुन, नमक, काली मिर्च डाल के बनती है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे थोड़े से चिकन जो है वो चिकन टिक्का वो फ्राई कर रही थी। और साथ में मैंने चावल बना लिए थे यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि ना ये हमारा लाइट, नॉट लाइट लेकिन ये हमारा प्रॉपर डिनर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी जल्दी 5:30 बजे कौन डिनर करता है, रीज़न ये है इसका कि हमने सोचा कि ना यहाँ पे हम डिनर करके क्यों ना एक रात में भी टूर लेते हैं। 25th नाइट है भैया आज दिसंबर की, तो देखते हैं बाहर का नज़ारा कैसा हो रहा है। तो इसीलिए हमने आज डिनर भी जल्दी कर लिया था। और इसके बाद फाइनली यहाँ पे डिश आउट का टाइम आ गया था। ये जो मैंने आपको कहा है कि थोड़े से चावल बना लिए थे मैंने, ये टोमेटो चटनी है और ये है चिकन टिक्का। और इसके अलावा हमने जो स्टेक्स बनाए थे मैंने वो साथ में स्टेक्स भी रखे हैं यहाँ पे। और साथ में आप ये देख रहे हो, ये जो मैंने थोड़ा सा सॉटे किया था कितना ग्रीनी बहुत अच्छा लग रहा है। ये ब्रोकली है और इसके साथ ग्रीन पेपर है, ये स्टेक्स है और ये सैलड है। और आप सोच रहे होंगे कि वो पकोड़े और समोसे कहाँ गए, बच्चे इतना ज़्यादा हंग्री थे, बहुत ज़्यादा उनको भूख लग रही थी। वो कभी नहीं खाते समोसे, उनको इतना ज़्यादा पसंद नहीं आते, लेकिन भूख का तो आपको पता है ना, भूख में जो भी चीज़ आप दे दो वो अच्छी लगती है, आपको जो नहीं पसंद है वो भी अच्छी लगती है, वो भी आप खा लेते हो। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा डिनर था, आइए आप भी हमारे साथ डिनर करें। और सिंपल सा डिनर था, किसी को चावल, मैंने चावल भी रख दिए थे, अगर किसी को चावल चाहिए तो वो चावल ले सकता है, और किसी को अगर सिर्फ ऐसे ही खाना है तो वो ऐसे भी खा सकता है। तो बहरहाल ये जो है ये प्लेट भी बन गई थी, मैंने बच्चों की बना ली है, नमीरा की प्लेट थी, उसको चावल नहीं चाहिए। ये जो है ज़ियान की, अफ़ान की प्लेट थी थोड़ी सी, और ये हस्बैंड की मैंने बना ली थी। तो ये था आज का क्रिसमस डे 25th दिसंबर। और यहाँ पे देखिए आप सारे हाउस जो है ना वो इतने प्यारे डेकोरेट करते हैं, ये उनकी थीम तो क्रिसमस ही होती है, वो क्रिसमस के रिलेटेड ही डेकोरेट करते हैं, लेकिन हर किसी का तरीका बहुत अलग होता है। तो चलिए यहाँ पे आपको क्रिसमस के दिन स्ट्रीट व्यू बताते हैं कि क्रिसमस यहाँ पे कैसा सेलिब्रेट करते हैं। और इनके पास सारे फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स जो भी है वो एक दूसरे के पास जाके सेलिब्रेट करते हैं, और उनके पास और पता नहीं क्या होता है, लेकिन आप स्ट्रीट व्यू देखें क्रिसमस के दिन ये कैसा है, यानी बिल्कुल ज़्यादा कोई बिजी नहीं है, सारा कुछ, हर कोई अपने घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं क्रिसमस। देखने आया क्या? डेकोरेशंस पूरे उसमें रखते शायद गैराज में, एंटायर दिस ईयर वाज जस्ट बैड, नो दिस ईयर द हाइप फॉर क्रिसमस।
वहाँ पे अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको ट्रेन ट्रैक्स मिल गए और ट्रेन गुजरने वाली है तो आप समझ जाएं कि आपके 15 टू 20 मिनट्स लग ही जाते हैं। इनके जो कैरेज रहते हैं या कार्ड्स बोल रहे हैं वो तो 100 से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए काफ़ी टाइम लग जाता है। You said definitely, so that means you were hesitant. I'll give it to mom and dad. And then... That was such a hesitant. All of it besides the 5,000. Actually, I'll give it to all... और यहाँ पे ट्रेन हुई एंड और मुझे कुछ लेना था, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टोर खुली थी तो वहाँ से मैंने जल्दी जाके फिर ब्रेड और सैलेड ला लिया और इसके बाद हम वापस आ गए घर। और बस आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, ईट हेल्दी लिव हेल्दी एंड एन्जॉय दी लाइफ। Take care. Allah Hafiz.